हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने घर पर सुरक्षित होंगे। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जनवाणी क्लासेस में, जहां पर हम पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। एंड आज के क्लास में पढ़ेंगे बीएससी सेकंड सेमेस्टर की फिजिक्स की सेकंड बुक, जो की है सेमी कंडक्टर डिवाइसेस। तो इसमें जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर चल रहा है 7, जो की है ट्रांजिस्टर बायसिंग एंड एम्पलीफायर। इसमें हम ट्रांजिस्टर बायसिंग पढ़ेंगे सर्किट्स की और एम्पलीफायर्स के बारे में पढ़ रहे थे। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको इसमें फेथफुल एम्पलीफिकेशन कराया था। अगर इस चैप्टर की बात करें तो आज के लेक्चर के बाद में सिर्फ एक दिन का और रह जाएगा इसमें, यानी कि आज में और कल में तो आपका ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और फिर एक लास्ट चैप्टर बचेगा मल्टीमीटर, जो कि 2 से 3 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि अगर आपका सिलेबस की बात करें, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में ये डाउट आ रहा है कि दी सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा, कब तक कंप्लीट होगा, जल्दी कराइए, जल्दी करा दीजिए। तो सिर्फ 5 डेज का आपका सिलेबस बचा हुआ है सेकेंड सेमेस्टर की फिजिक्स का, आपका 4-5 दिन के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाएगा। तो टेंशन ना ले, अपना पढ़ाई अच्छे से करें, ठीक है। तो इसमें लास्ट लेक्चर में हमने फेथफुल एम्पलीफिकेशन के बारे में पढ़ा था, उसमें टर्म्स और कंडीशंस पढ़ी थी। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि जो सर्किट में प्रॉपर बायसिंग होती है वो हमें कितने टाइप से मिलती है। तो अगर हमें किसी भी सर्किट में प्रॉपर बायसिंग प्राप्त करनी है तो उस कंडीशन के लिए 3 मेथड जो है हमको यूज करते हैं। 3 मेथड कौन कौन से है? फर्स्ट मेथड आपके सामने लिखा हुआ है, पहली एक लाइन है जिसमें ये टर्म्स बताई गई है, जैसे कि देयर आर सम मेथड्स टू कीप ट्रांजिस्टर इन प्रॉपर बायसिंग स्टेट। यानी कि किसी भी ट्रांजिस्टर को प्रॉपर बायसिंग स्टेट में रखने के लिए 3 मेथड्स का यूज करते हैं। और वो 3 मेथड कौन कौन से हैं? फर्स्ट है फिक्स्ड बायस मेथड, इसको फिक्स्ड बायस मेथड भी बोलते हैं और बेस रेजिस्टर मेथड भी बोलते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। सेकेंड है कलेक्टर टू बेस रेजिस्टर बायस मेथड, जिसको हम फीडबैक रेजिस्टर बायस मेथड भी बोल सकते हैं। तो किसी भी नाम से आपके सामने आ जाए, आपको ये नहीं कंफ्यूज होना कि अगर बेस रेजिस्टर मेथड दे दिया तो ये कौन से वाला मेथड है। फिक्स्ड बायस मेथड ही कौन सा होगा? बेस रेजिस्टर मेथड होगा। इसी तरीके से कलेक्टर टू बेस रेजिस्टर बायस मेथड को आप फीडबैक रेजिस्टर बायस मेथड भी बोल सकते हो। और थर्ड है इसमें वोल्टेज डिवाइडर बायस मेथड। तो इन 3 मेथड्स का यूज करके हम किसी भी ट्रांजिस्टर को प्रॉपर बायसिंग स्टेट में रख सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप इन 3 मेथड्स को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं फिक्स्ड बायस मेथड, यानी कि बेस रेजिस्टर मेथड। इस विधि में क्या होता है? दिस मेथड यूजेस अ हाई बेस रेजिस्टेंस आरबी। यानी कि अगर हम फिक्स्ड बायस मेथड या बेस रेजिस्टर मेथड का यूज कर रहे हैं तो इसमें जो बेस रेजिस्टेंस है वो कैसे लिया जाता है? बहुत ही हाई लिया जाता है बेस रेजिस्टेंस। देखिएगा, रेजिस्टेंस को किससे डिनोट करते हो? आर से। और बेस की बात करें तो बी ले लिया, यानी कि आरबी क्या हो गया? बेस रेजिस्टेंस। तो ये कैसे लिया जाएगा? बहुत हाई लिया जाता है इस मेथड में। इज कनेक्टेड बिटवीन द बेस एंड पॉजिटिव एंड ऑफ सप्लाई फॉर एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो ये जो बेस रेजिस्टर है इसको क्या किया जाता है? तो ये बहुत अधिक मात्रा में लिया जाता है। दूसरी बात क्या है? इसको कनेक्ट किया जाता है किसके बीच में? एक तो बेस के बीच में और जो एनपीएन ट्रांजिस्टर की सप्लाई है उसके पॉजिटिव एंड के बीच में, यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल जो होगा वो और जो बेस होगा इन दोनों के बीच में किसको कनेक्ट किया जाता है? आरबी, यानी कि बेस रेजिस्टर को। इसके डायग्राम में आप देख सकते हो, यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं आरबी यहाँ पे कनेक्ट है। तो आप इसमें देख सकते हो क्या कि जो इसका देखिए यहाँ पे ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, तो एन यहाँ पे ये एन हो गया, ये पी हो गया और ये एन हो गया। तो पॉजिटिव एंड कौन सा होगा? ये वाला होगा। तो इसके पॉजिटिव एंड यानी कि बेस यहाँ पे कनेक्ट है और इसका अगर आप पॉजिटिव एंड की बात करो तो यहाँ पे क्या लगी हुई है? बैटरी लगी हुई है VCC। तो इसके बीच में क्या अप्लाई किया जाएगा? आरबी यानी कि बेस रेजिस्टर यूज किया जाएगा इन दोनों पॉइंट के बीच में। यहाँ पे वोल्टेज लगी हुई है VCC यहाँ से लेकर के, और ये जो बेस लगा हुआ है एनपीएन ट्रांजिस्टर का, इसके बीच में क्या कनेक्ट होता है? बेस रेजिस्टर कनेक्ट होता है, या फिर आप कह सकते हो आरबी कनेक्ट होता है, ठीक है। इतनी बात कही गई है। इसके बाद में हियर द रिक्वायर्ड 0 सिग्नल बेस करंट इज गिवन बाय बैटरी VCC। यानी कि इसमें जो बेस करंट है वो किसके द्वारा दी जाती है? जो बैटरी लगी हुई है VCC इसके द्वारा सिग्नल प्रोवाइड किया जाता है, यानी कि जो बेस करंट फ्लो कर रही है। सो इट फ्लोज थ्रू बेस रेजिस्टर आरबी, और इससे जो बेस करंट प्रोड्यूस हुई, यहाँ से जो बेस करंट प्रोड्यूस हुई वो किसके अंदर फ्लो करे, किसके थ्रू फ्लो करेगी? यहाँ पे इस डायरेक्शन में फ्लो करेगी, और यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा हुआ, यानी कि बेस रेजिस्टर लगा हुआ होगा, इसके थ्रू ये बेस करंट जो है वो फ्लो करेगी।
सो हियर बेस टर्मिनल इज पॉजिटिव विद रेस्पेक्ट टू इमीटर टर्मिनल। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो बेस टर्मिनल है ये इमीटर टर्मिनल की तुलना में कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि हम कौन सा ट्रांजिस्टर ले रहे हैं, एनपीएन ट्रांजिस्टर ले रहे हैं। तो इस कंडीशन में जो बेस होगा वो इमीटर की तुलना में कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। सो देयरफॉर बेस इमीटर जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस। तो इस कंडीशन में जो बेस इमीटर जंक्शन है यानी कि ये वाला जो पॉइंट है ये कैसा होगा, फॉरवर्ड बायस होगा। फॉरवर्ड बायस होगा यानी कि इधर से क्या होगी, करंट फ्लो करेगी। सो द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ जीरो सिग्नल बेस करंट आई बी कैन बी अचीव्ड बाय प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ बेस रेजिस्टर आर बी। यानी कि अगर हम आई बी क्या है, बेस करंट, अगर हमें बेस करंट की रिक्वायर्ड वैल्यू चाहिए जीरो सिग्नल करंट, ये कहती है जीरो सिग्नल करंट है जब क्या क्या जाता है, जब ट्रांजिस्टर को कोई भी सिग्नल प्रोवाइड नहीं किया जाता, तो उस कंडीशन में इस बैटरी बीसीसी के द्वारा जो करंट प्रोड्यूस हो रही है उसको हम कहते हैं जीरो सिग्नल बेस करंट कहते हैं। अगर कलेक्टर के लिए चाहिए तो जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट कहलाती है। कल आपको लेक्चर में बताई भी थी मैंने ये बात। तो ये बात कही गई है कि अगर हमें रिक्वायर्ड वैल्यू चाहिए किसकी, जीरो सिग्नल बेस करंट की, तो हम इसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं, अगर हम प्रॉपर सिलेक्शन करें किसका, जो बेस लगा हुआ है यहाँ पे, तो इसके थ्रू जो ये हमारे पास में आर बी रेजिस्टर है इसकी हेल्प से, ये जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है आर बी की हेल्प से हम जीरो सिग्नल बेस करंट की प्रॉपर वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। एक बार दोबारा से समझ लीजिए कि फिक्स्ड बायस मेथड क्या है, या फिर इसको हम क्या कह सकते हैं, बेस रेजिस्टर मेथड। इन्होंने क्या क्या कहा है कि इस मेथड में हम किसका यूज करते हैं, हाई बेस रेजिस्टर का यूज करते हैं। यानी कि जो हम आर बी लगाएंगे, जो भी हम बेस रेजिस्टेंस यूज करेंगे वो कैसा होना चाहिए, बहुत अधिक होना चाहिए, बहुत उच्च होना चाहिए। और इसको हम किसके बीच में अप्लाई करेंगे, जो बेस होगा वो, और जो यहाँ पे इसका पॉजिटिव टर्मिनल होगा वो, तो पॉजिटिव टर्मिनल और बेस के बीच में क्या अप्लाई करेंगे, आरबी। बेस रेजिस्टर को क्या करेंगे, हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। दूसरी बात क्या है कि जो बैटरी बीसीसी लगी हुई है इसके थ्रू क्या करेगी, जीरो सिग्नल बेस करंट क्या होगी, अप्लाई होगी। तो यहाँ पे जो बेस करंट होगी ये किधर को फ्लो करेगी, किसके थ्रू फ्लो करेगी, जो यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा हुआ है आरबी इसके थ्रू फ्लो करेगी। दूसरी बात क्या है कि अगर हमें आईबी की यानी कि जीरो सिग्नल बेस करंट की प्रॉपर वैल्यू चाहिए, एक्यूरेट वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर सिलेक्शन करना होगा किसका, बेस रेजिस्टर का यानी कि आरबी का। इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जीरो सिग्नल बेस करंट को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें एक टॉपिक के क्या होंगे, चार पार्ट होंगे। जैसे कि एक तो हो गया इसका अरेंजमेंट, इसके बारे में कंप्लीट डिटेल में कि मेथड क्या होता है, कैसे वर्क करता है वगैरह वगैरह। फिर नेक्स्ट स्टेप इसमें होता है करंट एनालिसिस का, यानी करंट जो फ्लो करेगी उसका विश्लेषण करेगी, किस टाइप से करेगी, क्या फॉर्मूला वगैरह निकल करके आएगा। उसके बाद में इसकी मैरिट और डिमेरिट होती है, उन सबको पढ़ेंगे। ठीक है, एक बार पहले यहां तक नोट कर लीजिए। तो देखिएगा, इसके बाद में हम फिक्स्ड बायस मेथड के लिए सर्किट एनालिसिस और उसके बाद में इसका स्टेबिलिटी फैक्टर देखते हैं क्या आएगा। तो सबसे पहले सर्किट एनालिसिस देखिएगा क्या है, टू फाइंड द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ आर बी सो दैट रिक्वायर्ड जीरो सिग्नल बेस करंट कैन बी अचीव्ड। यानी कि अगर हमें क्या करना है, अभी मैंने आपको बताया था जब मैं आपको फिक्स्ड बायस मेथड पढ़ा रही थी कि अगर हमें जीरो सिग्नल बेस करंट प्राप्त करनी है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, आर बी यानी कि बेस रेजिस्टर की प्रॉपर वैल्यू चाहिए होगी। तो ये चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि अगर हमें आरबी की प्रॉपर वैल्यू चाहिए जिससे कि हम क्या कर सके, जीरो सिग्नल बेस करंट को प्राप्त कर सके, तो उसके लिए मान लिया आईसी बी द रिक्वायर्ड जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट। यानी कि आईसी क्या है, जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, मैंने आपको इससे पहले जो चैप्टर कराया था उसमें मैंने आपको बताया था अल्फा बीटा और गामा की वैल्यूज निकलवाई थी, तो बीटा किसकी निकल इक्वल निकल करके आया था, कलेक्टर करंट डिवाइडेड बाय बेस करंट के। तो अगर हम उस फंक्शन से बीटा आईबी यानी कि बेस करंट की वैल्यू निकाले, तो यहाँ पे हमारे पास में टर्म क्या थी, बीटा इज इक्वल्स टू आईसी अपॉन आईबी, तो आईबी की इधर मल्टीप्लाई कर दी, बीटा हम इधर लेकर के आ गए। तो ये हमारे पास में किसके लिए आ गया फंक्शन, बेस करंट के लिए आ गया। सो नाउ अप्लाइंग केवीएल, केवीएल क्या है, किरचॉफ का जो वोल्टेज लो है, सेकंड लो, दो लो दिए थे किरचॉफ ने स्टार्टिंग में पढ़ा था जब ये बुक स्टार्ट हुई थी। इन लो कौन सी, यहाँ पे नीचे डायग्राम बना हुआ था, पीछे थोड़ा सा वीडियो को स्किप करके देख लीजिएगा। तो यहाँ पे आप कौन से वाली लूप में देखोगे, पी क्यू ई जी पी, तो उस कंडीशन में जो बैटरी लगी हुई थी ना ऊपर बीसीसी, तो अगर हम उसकी वैल्यू निकालेंगे तो इधर की साइड में क्या लगा हुआ था, जो करंट फ्लो कर रही थी बेस करंट, वो किसके थ्रू फ्लो कर रही थी, जो बेस रेजिस्टर लगा हुआ था आरबी, तो बीसीसी किसके इक्वल आ जाएगा, आईबी इंटू आरबी, एंड उसमें आप एड कर दोगे किसको, जो नीचे यानी कि बेस और इमीटर के बीच में वोल्टेज अप्लाई की गई है जिसको हम बेस मीटर वोल्टेज कहते हैं उसको। तो अगर आप
उस वाली करंट में, यानी कि जो वोल्टेज है कौन से वाली, देखो V किसके इक्वल होता है IR, और जो करंट फ्लो कर रही है तो वो हमने ली बेस करंट, और रेजिस्टेंस क्या था हमारे पास में RB था, तो V किसके इक्वल होता है IR के, तो उसको हम लिख सकते हैं IB इनटू RB, और प्लस सेकंड वोल्टेज कौन सी थी बेस एमिटर वोल्टेज, तो इन दोनों का सम किसके इक्वल आएगा BCC के इक्वल आ जाएगा। अब यहां से स्टंप को इधर की साइड ही रखा, यानी कि BCC ये रहा, ये वाली जो टर्म है VB ये इधर पॉजिटिव है, इधर की साइड लेकर क्या हो जाएगी, कैसी हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी, तो BCC माइनस का हो गया VB, ठीक है। दूसरी तरीके से करके लिख दिया, कंफ्यूज मत हो जाना। यहाँ से हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, RB की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि इसी के बेस पे हम क्या करेंगे, जब हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी प्रॉपर वैल्यू, तभी तो हम बेस करंट को प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ से RB की मल्टीप्लाई में है बेस करंट, तो ये इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, डिवाइड में। लेकिन एक बात बताइए, यहाँ पे ये जो बेस करंट है, यहाँ पे हमारे पास में कलेक्टर वोल्टेज हो रही है, बेस मीटर वोल्टेज है, तो हमें क्या पता है कि जो बेस मीटर वोल्टेज की जो वैल्यू है वो BCC से क्या है, बहुत ही ज्यादा स्मॉल है, और जब किसी भी बहुत बड़ी क्वांटिटी में से बहुत छोटी सी ननक सी क्वांटिटी को हम हटा दें तो उसका इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, यानी इफेक्ट अगर पड़ेगा भी तो क्या होगा, पता नहीं चलेगा। तो इसीलिए यहाँ से हम VBE को क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। तो ये चीज लिखी हुई है, बट इन जनरल VBE इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू CC, यानी कि BCC की तुलना में जो VBE है ये क्या है, बहुत छोटी क्वांटिटी है, सो इट कैन बी नेग्लेक्टेड, अगर इसको क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। सो थस इस कंडीशन में जो बेस रेजिस्टर है वो किसके इक्वल आ जाएगा, VCC डिवाइडेड बाय IB, यानी कि बेस करंट के। तो ये इसकी हेल्प से हम क्या निकाल लेंगे, RB निकाल देंगे, जिससे हमें बेस करंट की वैल्यू भी इजीली मिल जाएगी। सो देयरफॉर द वैल्यू ऑफ RB कैन बी फाउंड डायरेक्टली, एंड फॉर दिस रीजन दिस मेथड इज कॉल्ड फिक्स्ड बायस मेथड। और क्या हो रहा है, यहाँ से हमें जो RB है बेस रेजिस्टर, इसकी वैल्यू डायरेक्टली प्राप्त हो रही है डायरेक्ट वैल्यू पुट करने पे, तो इसलिए इस मेथड का नाम क्या पड़ा, फिक्स्ड बायस मेथड या फिर बेस रेजिस्टर मेथड, क्योंकि अगर हम बेस करंट, बेस रेजिस्टर अगर हम फाइंड आउट कर लेते हैं तो उसकी हेल्प से हमें क्या मिल जाएगी, जीरो सिग्नल बेस करंट भी इजीली मिल जाएगी। तो इसीलिए इस मेथड का नाम क्या पड़ा, बेस रेजिस्टर मेथड या फिर फिक्स्ड बायस मेथड पड़ा, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। इसके बाद भी बात करते हैं इसके स्टेबिलिटी फैक्टर की। स्टेबिलिटी फैक्टर का भी डेरिवेशन मैंने आपको इससे पिछले चैप्टर में कराया है, तो वहां से हमारे स्टेबिलिटी फैक्टर किसके इक्वल आते हैं, स्टेबिलिटी फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, बीटा प्लस वन डिवाइडेड बाय वन माइनस बीटा इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ किसका, जो बेस करंट है, और किसके रेस्पेक्ट में करोगे, कलेक्टर करंट के रेस्पेक्ट में। लेकिन अगर हम फिक्स्ड बायस मेथड की बात करें तो इस मेथड में हमने क्या देखा कि जो बेस करंट है वो कलेक्टर करंट से कैसी है, इंडिपेंडेंट है, यानी कि कलेक्टर करंट पे बेस करंट डिपेंड नहीं कर रही है, तो डिपेंड नहीं कर रही है। और अगर डिपेंड नहीं कर रही है तो इसका मतलब जब आप इसके रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट की जाएगी, और आपको पता है किसी भी कांस्टेंट टर्म का अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या होता है, जीरो हो जाता है, तो यानी कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो ये लिखा हुआ है कि बट इन फिक्स्ड बायस मेथड आईबी इज इंडिपेंडेंट ऑफ आईसी, यानी कि बेस रेजिस्टर मेथड में जो बेस करंट है वो कलेक्टर करंट से कैसी होती है, इंडिपेंडेंट होती है, उस पर डिपेंड नहीं करती है, और इसीलिए दिस टर्म किसके इक्वल आ जाएगी, जीरो के। जब आप ये वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो इस टर्म की मल्टीप्लाई जीरो में करोगे, जीरो वन में से जीरो को सब्सट्रैक्ट करोगे कितना आएगा, वन, और वन से आप किसी भी टर्म को डिवाइड करोगे वही वैल्यू आ जाएगी। तो स्टेबिलिटी फैक्टर एस आपका किसके इक्वल आ जाएगा, बीटा प्लस वन के इक्वल आ जाएगा। सो फिक्स्ड बायस मेथड हैज पुअर थर्मल स्टेबिलिटी, तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि जो फिक्स्ड बायस मेथड है उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, बहुत पुअर होती है। और आपको ये ऑब्जेक्टिव वालों को भी ध्यान रखना है, आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लेगा, तीन मेथड आपके सामने दे देगा कि विच वन इज करेक्ट ऑप्शन, तो आपको याद रखना है कि जो फिक्स्ड बायस मेथड है उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, बहुत पुअर, यानी कि बेकार, खराब होती है, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। इसके बाद इसकी मेरिट और डिमेरिट्स करेंगे, यहां तक नोट कर लीजिए। देखिएगा, बात करते हैं इसकी मेरिट्स और डिमेरिट्स की। तो टू मेरिट्स है इसकी, कौन कौन सी, फर्स्ट है द बायसिंग सर्किट इज वेरी सिंपल बिकॉज इच हैज वन रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस आर बी, यानी कि जो सर्किट है कौन सा, फिक्स्ड बायस मेथड में जो हम सर्किट यूज करते हैं इसको फिक्स्ड बायस सर्किट या फिर बेस रेजिस्टर सर्किट भी बोल सकते हैं। तो ये क्या होता है, बहुत ही सिंपल होता है, क्यों, क्योंकि इसमें केवल एक रेजिस्टेंस आर बी की रिक्वायरमेंट होती है, देयरफॉर बायसिंग कंडीशन एंड कैलकुलेशन आर सिंपल, जिस वजह से जो बायसिंग होती है और जो कैलकुलेशन है वो क्या होती है, इसमें बहुत ही ज्यादा सिंपल
सिंपल फॉर्म में होती है, ठीक है। सेकेंड है, देयर इज नो लोडिंग ऑफ द सोर्स बाय द बायसिंग सर्किट सिंस नो रेजिस्टर इज इम्प्लॉयड अक्रॉस बेस इमिटर जंक्शन। यानी कि अगर कोई भी सोर्स यानी कि बायसिंग सर्किट में अगर कोई भी सोर्स लोड ना की जाए, अप्लाई ना की जाए, तो उस कंडीशन में जो बेस इमिटर जंक्शन है उसके अक्रॉस कोई भी रेजिस्टर हमें प्राप्त नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद में इसकी आती है डिमेरिट्स की बात, तो डिमेरिट्स है इसकी तीन। फर्स्ट है द स्टेबिलिटी फैक्टर इज वेरी हाई सो दिस मेथड प्रोवाइडेड पुअर स्टेबिलाइजेशन। इसमें जो स्टेबिलिटी फैक्टर हो गया बहुत ज्यादा, स्टेबिलिटी फैक्टर हमने निकाला था कितना आया था, इज इक्वल्स टू बीटा प्लस वन, जो कि क्या शो करता है कि जो स्टेबिलिटी फैक्टर है वो बहुत ज्यादा। और आपको ये बात बताई थी कि स्टेबिलिटी फैक्टर जितना ज्यादा होगा स्टेबिलिटी क्या होगी उतनी ही कम होगी किसी भी ट्रांजिस्टर या सर्किट के लिए। तो इसमें स्टेबिलिटी फैक्टर क्या हुआ है, बहुत ज्यादा आया है, बीटा प्लस वन हाईएस्ट होता है, तो इसीलिए इसकी जो स्टेबिलिटी होगी वो क्या होगी, बहुत ही ज्यादा पुअर होगी, खत्म होगी यानी बेकार होगी। सेकेंड है बिकॉज स्टेबिलिटी फैक्टर इज सो हाई देयर इज अ स्ट्रॉन्ग चांसेस ऑफ थर्मल रन अवे। यानी कि इसमें जो स्टेबिलिटी फैक्टर है वो बहुत हाई होता है, तो इस कंडीशन में जो थर्मल रन अवे के चांसेस होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। और थर्ड पॉइंट है कि टेम्परेचर राइज और बीटा इंक्रीजेस ड्यू टू ट्रांजिस्टर रिप्लेसमेंट द कलेक्टर करंट वुड इंक्रीजेस रिजल्टिंग इन अ शिफ्ट ऑफ द ऑपरेटिंग पॉइंट। यानी कि यदि टेम्परेचर बढ़ेगा तो उस कंडीशन में जो बीटा है बीटा की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से ये किसके कारण होगा, जो ट्रांजिस्टर अगर हम उसका रिप्लेसमेंट करते हैं तो ट्रांजिस्टर के रिप्लेसमेंट की वजह से अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो बीटा की वैल्यू भी बढ़ जाएगी, जिस वजह से जो कलेक्टर करंट है वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और रिजल्ट के तौर पर हमें क्या मिलेगा, जो ऑपरेटिंग पॉइंट की शिफ्ट है वो हमें मिल जाएगी। यानी कि जो ऑपरेटिंग पॉइंट है वो शिफ्ट के फॉर्म में हमें मिल जाएगा एज अ रिजल्ट। तो ये इसकी कुछ मेरिट्स और डिमेरिट्स थी, आपको याद रखनी है। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछ ली जाती है, जिनके ऑब्जेक्टिव पेपर है उनको याद रखना है फर्स्ट वाले के लिए, कि सबसे सिंपल और सबसे जो सिंपल सर्किट है वो कौन सा है, बेस रेजिस्टर सर्किट, या फिर इसको हम फिक्स्ड बायस सर्किट भी बोल सकते हैं। और ये बहुत सिंपल इसलिए है क्यों, क्योंकि इसमें केवल एक रेजिस्टेंस की आवश्यकता होती है। सेकेंड इसमें आपको ध्यान रखना है जो डिमेरिट्स है इसकी, जो सबसे ज्यादा पूछी जाती है वो फर्स्ट वाली है कि इसमें जो स्टेबिलिटी फैक्टर होता है वो बहुत ज्यादा होता है, इसका स्टेबिलाइजेशन जो होता है वो सबसे कम होता है, यानी कि जितना ज्यादा स्टेबिलिटी फैक्टर उतनी ही स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, नोट कर लीजिए, इसके बाद में सेकंड मेथड पढ़ेंगे। नेक्स्ट है इसमें कलेक्टर टू बेस रजिस्टर बायस मेथड, जिसको हम फीडबैक रजिस्टर बायस मेथड भी बोल देते हैं। ये थोड़ा कम इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में थोड़ा कम पूछा जाता है, बट फिर भी इन केस अगर आ जाता है तो मैं आपको बुक से ही बता रही हूँ, बुक में ज़्यादा टफ लैंग्वेज में नहीं दिया हुआ है, बहुत शॉर्ट में ही दिया हुआ है ये वाला टॉपिक भी। तो देखिएगा क्या है, द सर्किट अरेंजमेंट ऑफ बेस बायस विद कलेक्टर फीडबैक। यानी कि ये तो सर्किट दिखाया हुआ है, ठीक है, जिसमें आपको अरेंजमेंट दिखाया हुआ है किसका, कलेक्टर टू बेस रजिस्टर बायस का, ठीक है। सो इन दिस मेथड, इस मेथड में क्या होता है, वन एंड ऑफ आरबी यानी कि जो बेस रजिस्टर होता है इसका एक एंड कनेक्ट होता है टू द बेस। यहां पे आप देख सकते हो ये सर्किट बना हुआ है, इसमें जो बेस रजिस्टर है वो लगाया हुआ है यहां पर, और इसका जो एक एंड है वो किससे कनेक्ट किया हुआ है, यहां से आप देख सकते हो ये यहां पे आकर के किससे कनेक्ट हो रहा है, बेस से। ये बेस है, ये कलेक्टर है और ये इमीटर है। तो ये जो बेस रजिस्टर लगा हुआ है इसका एक एंड किससे कनेक्ट है, बेस से कनेक्ट है, वाइल द अदर एंड इज कनेक्टेड टू द कलेक्टर, जबकि इसका एक एंड जो है वो किससे कनेक्ट है, यहां पे कलेक्टर से कनेक्ट है। यहां तक तो आपको बात समझ में आ गई कि इस मेथड में क्या होता है कि जो बेस रजिस्टर होता है इसका एक एंड बेस से कनेक्ट होता है और एक एंड कलेक्टर से कनेक्ट होता है। द रिक्वायर्ड जीरो सिग्नल बेस करंट कैन ओनली बी डिटरमाइंड बाय वीसीबी नॉट बाय वीसीसी। तो इसमें क्या होगा, जो हमें प्रॉपर जीरो सिग्नल बेस करंट की जिसकी रिक्वायरमेंट होती है वो हमें किसके थ्रू मिलेगी, जो कलेक्टर बेस वोल्टेज है, यहां से आप देख सकते हो कि यहां पे लगी हुई है बेस इमीटर वोल्टेज इसके बीच में, और सी और ई के बीच में क्या मिलेगी, कलेक्टर इमीटर वोल्टेज मिलेगी, और बी और सी के बीच में क्या मिलेगी आपको, वीसीबी यानी कि कलेक्टर की बेस कलेक्टर वोल्टेज, और यहां पे क्या हुई है, ये वोल्टेज लगी हुई है वीसीसी बैटरी। तो इन्होंने क्या कहा है कि हमें जो पहले मिली थी, इससे पहले जो हमने मेथड पढ़ा है बेस रजिस्टर मेथड, तो उसमें क्या था कि जो हमें जीरो सिग्नल बेस करंट मिल रही थी वो किसके थ्रू मिल रही थी, वीसीसी के थ्रू मिल रही थी। लेकिन इसमें कलेक्टर टू बेस बायस रजिस्टर, कलेक्टर टू बेस रजिस्टर बायस मेथड में क्या होगा कि जो हमें जीरो
सिग्नल बेस करंट चाहिए वो आपको बीसीसी के वीसीसी के थ्रू नहीं मिलेगी, वो किसके थ्रू मिलेगी, बेस कलेक्टर वोल्टेज के थ्रू मिलेगी। सो हेयर वीसीबी फॉरवर्ड बायसेस द बेस इमिटर जंक्शन। तो जो वीसीबी होगा वो क्या करेगा, फॉरवर्ड बायस कर देगा किसको, बेस इमिटर जंक्शन को, बेस इमिटर जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करेगा। एंड बेस करंट आई बी फ्लोज थ्रू रेजिस्टेंस आर बी, और ये जो बेस करंट यहाँ पे फ्लो कर रही है किसके थ्रू फ्लो करेगी, रेजिस्टेंस आर बी जो लगा हुआ है इसके थ्रू फ्लो करेगी। दिस कॉजेज द जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट टू फ्लो इन द सर्किट, जिसकी वजह से सर्किट में जीरो सिग्नल, कौन सी जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट फ्लो कर जाएगी, क्योंकि जो बेस करंट है वो तो किसके थ्रू फ्लो कर गई, ये जो रेजिस्टर लगा हुआ है बेस रेजिस्टर आर बी इसके थ्रू फ्लो करेगी। तो उस कंडीशन में जो कलेक्टर करंट होगी वो फ्लो करेगी सर्किट में, कब, जब जीरो सिग्नल होगा। तो एक बार पहले यहां तक का स्क्रीन शॉट ले लीजिए, इसके बाद में इसका सर्किट एनालिसिस देखिए। लेट अस डिटरमाइन द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ आरबी टू गिव द जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट। हमें क्या चाहिए, बेस रजिस्टर की वैल्यू चाहिए जिससे कि हम क्या कर सकें, जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट को फाइंड आउट कर सकें। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, किरचॉफ का जो वोल्टेज लो है सेकेंड लो उसको अप्लाई कर देंगे, किसमें, ए सी बी ई जी ए। तो यहाँ पे देख लीजिए पॉइंट कौन सा है, ए, उसके बाद में लिया हुआ है सी, उसके बाद में लिया हुआ है बी, उसके बाद में है ई, उसके बाद में जी, उसके बाद में ए, यानी कि ये वाली जो साइड है इस वाली लूप में हम क्या करेंगे, केवीएल लो अप्लाई कर देंगे। तो जो वीसीसी होगा ये किसके इक्वल होगा, यहाँ पे देखिएगा जो करंट फ्लो कर रही है आईसी प्लस आईबी, और इसमें मल्टीप्लाई करोगे आप किसकी, जो रेजिस्टेंस लगाओ जिसके थ्रू ये करंट फ्लो कर रही है आरसी। तो यहाँ पे दिस टर्म प्लस उसके बाद में यहाँ पे करंट फ्लो कर रही है आईबी और रेजिस्टेंस लगा हुआ है आरबी, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई प्लस, अगर आप बेस और इमीटर के बीच में वोल्टेज देखो तो कौन सी वोल्टेज लग रही है, VBE, ये भी वोल्टेज है। आपको पता है V किसके इक्वल होता है, IR के इक्वल होता है। तो इस कंडीशन में I ये रहा और R ये रहा, करंट ये रही, रेजिस्टेंस ये लगा हुआ है, फिर करंट ये है, रेजिस्टेंस ये है, और इसमें वोल्टेज ही मिल रही है। तो जो VCC है वो किसके इक्वल होगी, दिस टर्म इंटू दिस टर्म प्लस दिस टर्म इंटू दिस टर्म प्लस ये वाली टर्म VBE। तो यहां से हमारे पास में फर्स्ट इक्वेशन आ गई। लेकिन हमें पता है कि जो बेस करंट है वो क्या होती है, बहुत स्मॉल होती है किसकी तुलना में, कलेक्टर करंट की तुलना में। तो इसीलिए हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, VCC इज इक्वल्स टू, यहाँ पे अगर आप देखोगे बेस करंट अगर बहुत छोटी है तो इसको हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। तो क्या जाएगी टर्म, IC इंटू RC प्लस यहाँ से आ जाएगा IBRB प्लस VB, यानी कि बेस इमिटर वोल्टेज। यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालें IBRB की तो एक इसकी इक्वल आएगी VCC, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म पॉजिटिव है तो दूसरी साइड जाएगी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, नेगेटिव में। ये आ गई इक्वेशन नंबर सेकंड। सो हम क्या जानते हैं कि IC किसकी इक्वल होता है, बीटा IB के। अभी मैंने आपको इससे पहले बेस रजिस्टर मेथड में भी ये टर्म कराई थी कि जो बीटा होता है किसकी इक्वल होता है, IC अपॉन IB के। तो यहाँ से हम अगर IC अपॉन IB से जो अपॉन में IB है यानी कि जो बेस करंट है वो डिवाइड में इधर की साइड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। इस वैल्यू को हम किसमें पुट कर देंगे, जो इक्वेशन सेकंड है इसमें पुट कर देंगे। तो IBRB VCC VBB IC के प्लेस पे हम क्या पुट करेंगे, बीटा IB, और इनटू में टर्म क्या चल रही है, RC। यहां से अगर हमें RB की वैल्यू यानी कि RB क्या है, यहां पे बेस रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू अगर निकालनी हो तो जो बेस करंट इधर मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगी किसमें, डिवाइड में। तो ये आ गई इक्वेशन थर्ड, और यही क्या है इसका सर्किट का एनालिसिस है, यानी कि हमें एक्चुअल में क्या निकालनी थी, रजिस्टर बेस रजिस्टर निकालना था। क्यों, क्योंकि बेस रेजिस्टेंस निकालने के बाद ही हम क्या कर सकते हैं, जीरो सिग्नल करंट की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। और यही हम मान करके चले थे कि लेट अस डिटरमाइन द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ आरबी टू गिव द जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट। तो हमें क्या करना होगा, आरबी की वैल्यू को फाइंड आउट करना पड़ेगा, जो कि क्या देगा, जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट देगा। तो आरबी की वैल्यू हम किसके थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं, इस फॉर्मूले के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में नेक्स्ट है स्टेबिलिटी फैक्टर। स्टेबिलिटी फैक्टर के लिए फॉर्मूला तो आप सभी को पता है, 1 प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस बीटा डी आई बी अपॉन डी आई सी। इसको लेट कर लीजिएगा आप इक्वेशन नंबर फोर्थ, ठीक है। सो यहाँ से हम क्या करेंगे, केवीएल अप्लाई कर देंगे किस लूप में, इसी वाली में जो ए सी बी ई जी ए, यानी कि ये वाला इधर वाला पार्ट है इसमें फिर से केवीएल अप्लाई करेंगे। तो फिर से हमारे पास में ये वाली इक्वेशन निकल करके आ जाएगी, और ये कौन सी है, देखो इसमें, और हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो वोल्टेज लगी हुई है वो कौन सी लगी हुई है, वीबी। इसके बाद में ये आई सी आई बी आर सी और आई बी आर बी, तो ये टर्म लिखी हुई है। कभी सोचो ये कौन सी इक्वेशन है, ये कौन सी इक्वेशन है, तो ये आगे पीछे करके लिख दी है टर्म्स बस, ठीक है। इससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आप इसको पहले
इसको बाद में लिख सकते हैं क्योंकि प्लस में ही है। सो यहाँ से देखो अब हम क्या करेंगे, ये वाली जो टर्म है VCC और VBE इनको एक साथ लिख देंगे और जो करंट और रेजिस्टेंस वाले टर्म्स हैं उनको एक साथ। तो ये VBE इधर किस में है, प्लस में है, तो इधर की साइड आएगा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में। ये टर्म एज इट इज चलेंगे, ठीक है। यहाँ से ये टर्म एज इट इज रही, ICRC इधर प्लस में, दूसरी साइड जाएगा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में। हमें वैल्यू किसकी निकालनी, बेस करंट की, तो इसकी मल्टीप्लाई में जो RBRC है ये इधर मल्टीप्लाई में, तो इधर किस में आ जाएंगे, डिवाइड में आ जाएंगे। डिफरेंशिएटिंग द अबव इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू IC, तो ये जो इक्वेशन है इसका डिफरेंशिएट कर देंगे हम किसके रिस्पेक्ट में, IC कलेक्टर करंट के रिस्पेक्ट में। तो यहां से क्या मिलेगा, DIB/DIC। देखिएगा VCC की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। VBE की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, जीरो, क्योंकि हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं डिफरेंशिएशन, IC के कलेक्टर करंट के रिस्पेक्ट में। तो यहां पे IC है तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो देखिएगा IC का डिफरेंशिएशन IC के रिस्पेक्ट में करोगे कितना हो जाएगा, 1। तो इसका कोफिशिएंट जो है RC वो एज इट इज आ जाएगा, एंड डिवाइड में टर्म क्या चल रही है, RB+RC। तो यहां से इसको अगर आप सॉल्व करोगे आ जाएगा माइनस के RC/RB+RC, आ गई इक्वेशन नंबर 7, ठीक है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ DIB/DIC फ्रॉम इक्वेशन 7 to 4, तो इक्वेशन 7 से जो हमने ये वैल्यू निकाली है इसको आप किस में पुट कर दोगे, देखिएगा जो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 4 है इसमें इस वाली टर्म के प्लेस पे DIB/DIC के प्लेस पे आप कौन सी ये वाली वैल्यू पुट कर दोगे। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ दिस इन टू दिस इक्वेशन, तो यहाँ से आ जाएगी ये वैल्यू, थस फॉर एनी वैल्यू ऑफ RC एंड RB देयरफॉर दिस मेथड प्रोवाइड बेटर स्टेबिलिटी देन द फिक्स्ड बायस। यानी कि सबसे कम जो स्टेबिलिटी मिलती है वो मिलती है किसमें, फिक्स्ड बायस मेथड में, जिसको हम बेस रजिस्टर मेथड भी बोलते हैं। उससे ज्यादा थोड़ी सी स्टेबिलिटी किसमें मिलेगी हमें, इस वाले मेथड में, यानी कि कलेक्टर टू बेस रजिस्टर बायस मेथड में, और फिर सबसे ज्यादा फिर तीसरे वाले में मिलेगी। तो यही बात यहाँ पे कही गई है कि देयरफॉर दिस मेथड प्रोवाइड्स बेटर स्टेबिलिटी, यानी कि जो विधि है ये बेटर स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराती किसकी तुलना में, फिक्स्ड बायस की तुलना में। इसलिए जो स्टेबिलिटी फैक्टर है वो क्या होगा, लेस देन होगा β+1 से। उसमें स्टेबिलिटी फैक्टर किसके इक्वल आ रहा था, β+1 के इक्वल आ रहा था, नहीं आ रहा था, तो β+1 के इक्वल आ रहा था, तो स्टेबिलिटी फैक्टर ज्यादा था इसलिए स्टेबिलिटी कम थी। अब स्टेबिलिटी फैक्टर जो है वो β+1 से थोड़ा कम आ रहा है, तो इसका मतलब स्टेबिलिटी उससे ज्यादा होगी। सो हियर इन दिस सर्किट फीडबैक इज गिवन फ्रॉम आउटपुट टू इनपुट टर्मिनल थ्रू RB, यानी कि सर्किट में जो फीडबैक दिया जाता है वो आउटपुट से इनपुट टर्मिनल को दिया जाता है RB के थ्रू। सो देयरफॉर दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज फीडबैक रजिस्टर बायसिंग मेथड, तो इसीलिए इस मेथड को क्या कहा जाता है, फीडबैक रजिस्टर बायसिंग मेथड भी कहा जाता है, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखिएगा इसके बाद में बात करते हैं इसकी मेरिट्स की और डीमेरिट्स की। स्टेबलाइजेशन वाला जो पॉइंट है ये पढ़ लीजिएगा, इतना ज़्यादा कुछ इसमें खास नहीं है। तो मेरिट्स की अगर बात करें तो फर्स्ट है इट इज़ अ सिंपल मेथड बिकॉज इट नीड्स ओनली 1 रेजिस्टेंस RB, तो ये भी कैसा है, सिंपल मेथड है क्योंकि इसमें भी क्या होता है, ओनली 1 रेजिस्टेंस की रिक्वायरमेंट होती है। सेकेंड है कलेक्टर टू बेस बायस गिव्स अ कंसिडरेबल मोर स्टेबल सर्किट फॉर स्मॉलर एज देन बेस बायस एज फार एज शिफ्टिंग ऑफ क्यू पॉइंट ड्यू टू टेम्परेचर चेंजेस कंसर्न। यानी कि जो कलेक्टर टू बेस बायस ही क्या देता है, कंसीडरेबल मोर स्टेबल सर्किट देता है किसके लिए, जो कि ऐसे कैसा होता है, छोटा होता है किसकी तुलना में, जो बेस बायस मेथड था उसकी तुलना में, जिसकी वजह से जो क्यू पॉइंट है शिफ्ट हो जाता है किसकी वजह से, टेम्परेचर में चेंज की वजह से। थर्ड पॉइंट है इट्स सेंसिटिविटी फॉर द वेरिएशन इन बीटा इज हाफ रिलेटिव टू बेस बायस मेथड, यानी कि इसकी जो सेंसिटिविटी होती है किसकी लिए, जो बीटा में वेरिएशन आता है, जो बीटा में थोड़ा बहुत चेंज आता है उसके लिए जो सेंसिटिविटी होती है बेस बायस की तुलना में वो कैसी होती है, आधी होती है, इसमें हाफ होती है। बात करते हैं इसकी डीमेरिट्स की। डीमेरिट्स के इसके 3 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट है दिस सर्किट डज नॉट प्रोवाइड गुड स्टेबलाइजेशन बिकॉज स्टेबिलिटी फैक्टर इज फेयरली हाई। उसमें क्या था, बेस रजिस्टर मेथड में वेरी हाई, इसमें क्या है, फेयरली हाई, यानी कि ये वाला जो सर्किट है ये भी अच्छी स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड नहीं कराता है। क्यों, क्योंकि इसमें जो स्टेबिलिटी फैक्टर होता है वो थोड़ा कैसा होता है, उच्च होता है। उसमें तो सबसे ज्यादा था, इसमें क्या होता है, थोड़ा ज्यादा होता है, तो इसलिए ये भी अच्छा स्टेबिलिटी प्रोवाइड नहीं करा पाता है। सेकेंड है ड्यू टू द निगेटिव फीडबैक वी गेट रिड्यूस्ड गेन ऑफ द एम्पलीफायर, यानी कि चूंकि इसको क्या दिया जाता है, निगेटिव फीडबैक दिया जाता है, तो निगेटिव फीडबैक के कारण जो एम्पलीफायर को गेन मिलता है वो कैसा मिलता है, रिड्यूस्ड गेन प्राप्त होता है। और थर्ड पॉइंट है इफ द वैल्यू ऑफ RC इज स्मॉल देन देयर विल बी नो इम्प्रूवमेंट इन स्टेबलाइजेशन इन दिस मेथड, यानी कि यदि RC क्या है, यहाँ पे कलेक्टर रेजिस्टेंस, अगर इसकी वैल्यू कैसी है, बहुत कम है, बहुत छोटी है, तब इस कंडीशन में क्या होगा, देयर विल बी नो इम्प्रूवमेंट, यहाँ पे कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं होगा किसमें, स्टेबलाइजेशन में। तो यानी कि अगर RC को हम कितना छोटा भी ले लें तो भी इस मेथड में स्टेबलाइजेशन में कोई भी इम्प्रूवमेंट
नहीं हो सकता। एक बार इसका भी क्या ले लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको लिखने में आसानी पड़े। इसके बाद में फिर नेक्स्ट मेथड पढ़ेंगे हम, वोल्टेज डिवाइडर बायस मेथड। इसके बाद में लास्ट देखिएगा, थर्ड है वोल्टेज डिवाइडर बायस मेथड, और ये सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला मेथड है। तो देखिएगा क्या है, दिस मेथड इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड टू प्रोवाइड बायसिंग एंड स्टेबलाइजेशन टू अ ट्रांजिस्टर। यानी कि ये जो मेथड है ये सबसे ज्यादा यूज किया जाता है किसी भी ट्रांजिस्टर को बायसिंग या स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड कराने में, क्योंकि सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है और सबसे ज्यादा क्या करता है, प्रॉपर बायसिंग जो है अच्छी फॉर्म में प्रोवाइड कराता है। तो ये सबसे ज्यादा यूज किया जाता है तीनों में से। इन दिस मेथड, इस विधि में टू रेजिस्टेंस R1 एंड R2 आर कनेक्टेड अक्रॉस द सप्लाई वोल्टेज VCC एंड प्रोवाइडेड बायसिंग। यानी कि इस मेथड में क्या होता है, दो रेजिस्टेंस का यूज किया जाता है, R1 और R2, और दोनों जो रेजिस्टेंस है R1 और R2 वो कनेक्ट किए जाते हैं किससे, वोल्टेज सप्लाई VCC से, जिससे कि क्या होती है, ट्रांजिस्टर को बायसिंग प्रोवाइड की जाती है। ये यहाँ पे आप इसका डायग्राम देख सकते हो। इसमें क्या किया गया है, एक R1 रेजिस्टेंस यहाँ पे लगाया हुआ है, एक R2 रेजिस्टेंस यहाँ पे लगाया हुआ है, और दोनों रेजिस्टेंस किससे कनेक्ट है, इस VCC बैटरी से कनेक्ट है, जिसके थ्रू क्या होती है, ट्रांजिस्टर को बायसिंग प्रोवाइड की जाती है। हियर इमीटर रेजिस्टेंस RE प्रोवाइड स्टेबलाइजेशन, और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लगाया हुआ है इमीटर रेजिस्टेंस, ये यहाँ पे कलेक्टर रेजिस्टेंस लगाया हुआ है, यहाँ पे इमीटर रेजिस्टेंस, यहाँ पे ये लिया हुआ है NPN ट्रांजिस्टर। कैसे पता चला, ये मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, एरो नीचे की तरफ है और एरो किधर की तरफ होगा, N की तरफ होगा, तो इसलिए अगर ये N है तो ये भी N, और बीच में क्या होगा, P होगा। तो यहाँ पे ये इमीटर है, ये बेस है और ये कलेक्टर है। तो इमीटर की साइड जो करंट फ्लो करेगी, इमीटर करंट, और इसके यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लिया गया है वो कौन सा, इमीटर रेजिस्टेंस। तो इमीटर रेजिस्टेंस क्या करता है, हियर इमीटर रेजिस्टेंस आर ई प्रोवाइड स्टेबलाइजेशन, यानी कि तो स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है। द नेम वोल्टेज डिवाइडर कम्स फ्रॉम द वोल्टेज डिवाइडर फॉर्म्ड बाय रेजिस्टेंस R1 एंड R2। तो इस सर्किट का जो नाम है, इस मेथड का जो नाम है, वो वोल्टेज डिवाइडर बायस क्यों पड़ा, वो इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लगाए हुए हैं R1 और R2, इनके थ्रू, इन रेजिस्टेंस R1 और R2 के थ्रू जो भी वोल्टेज डिवाइडर बनाया जाता है, यानी कि जो भी वोल्टेज डिवाइडर फॉर्म होता है, तो इस कारण इसका जो नाम पड़ा वो क्या पड़ गया, वोल्टेज डिवाइडर बायस पड़ गया। द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R2 फॉरवर्ड बायसेस द बेस इमीटर जंक्शन, यानी कि जो वोल्टेज होगी किसके ड्रॉप अक्रॉस, जो हम यहाँ पे R2 रेजिस्टेंस लगाया हुआ है इसके ड्रॉप, तो यहाँ पे इस कंडीशन में जो भी वोल्टेज होगी वो कैसे, किस पे मिलेगी, बेस इमीटर जंक्शन पे। यहाँ पे अगर आप देखो इस सर्किट में, तो ये इमीटर बेस कलेक्टर, तो बेस इमीटर जंक्शन कौन सा हो जाएगा, ये वाला, यानी कि बेस इमीटर जंक्शन पे जो भी वोल्टेज बनेगी वो मिलेगी आपको किसके थ्रू, R2 के थ्रू। सो दिस कॉजेज द बेस करंट एंड हैंस कलेक्टर करंट फ्लो इन द जीरो सिग्नल कंडीशन। तो इस कंडीशन में जो कौन सी बेस करंट है वो तो आपको मिल जाएगी किस पे, बेस इमीटर जंक्शन पे, लेकिन जब भी हमें कौन सी मिलेगी, कलेक्टर करंट मिलेगी, तो वो कैसी मिलेगी, जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट मिलेगी, क्योंकि उसके लिए कोई भी सिग्नल जो है, इनपुट सिग्नल, वो प्रोवाइड इसमें नहीं किया जाएगा। तो कौन सी मिलेगी, जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट मिलेगी। तो एक बार पहले यहां तक की दोबारा से समझ लीजिए थ्योरी को, उसके बाद में इसका सर्किट एनालिसिस पढ़ेंगे। हमने इसमें क्या पढ़ा कि ये जो मेथड है ये सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला मेथड है, क्योंकि ये क्या करता है, सबसे ज्यादा ट्रांजिस्टर को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है और क्या करता है, प्रॉपर बायसिंग प्रोवाइड कराता है। इसमें क्या करते हैं, हम दो रेजिस्टेंस R1 और R2 का यूज करते हैं, और ये R1 और R2 जो रेजिस्टेंस है किससे कनेक्ट होते हैं, बैटरी VCC से कनेक्ट होते हैं। उसके बाद हमने कहा कि जो इमीटर है, इमीटर रेजिस्टेंस RE है, वो क्या करता है, स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड कराता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो वोल्टेज डिवाइडर बायस है, वोल्टेज डिवाइडर बायस मेथड है, उसमें कौन सा रेजिस्टेंस सर्किट को या ट्रांजिस्टर को स्टेबलाइजेशन यानी कि स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है, तो कौन सा कहोगे आप, जो इमीटर रेजिस्टेंस है RE, वो क्या करता है, स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड कराता है। और इसका नाम वोल्टेज डिवाइडर बायस क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं R1 और R2, इनके थ्रू जो भी वोल्टेज डिवाइडर फॉर्म होगा, जो भी वोल्टेज डिवाइडर बनेगा, तो इस वजह से, यानी कि दो रेजिस्टेंस है भाई, एक तो यहाँ पे लगे हुए हैं, एक RC एक RE, वैसे तो चार लगे हुए हैं, लेकिन ये जो दो लगे हुए हैं R1 और R2, इनके थ्रू क्या हो जाएगा, इस ट्रांजिस्टर में वोल्टेज डिवाइडर बन जाएगा, यहाँ जहां पे क्या होती है, वोल्टेज की कम बढ़ा
बायत होती है, तो इसीलिए इसका जो नाम पड़ गया वो क्या पड़ा, वोल्टेज डिवाइडर बायस मेथड पड़ा है। ये आपको याद रखना है, जो वोल्टेज होगी ड्रॉप अक्रॉस आर टू वो कैसी होगी, फॉरवर्ड बायस होगी। तो किस पे जब बेस मीटर जंक्शन, यानी कि जो बेस मीटर जंक्शन होगा इसमें जो भी क्या होगी करंट होगी वो कैसी होगी, फॉरवर्ड बायस होगी। सो दिस कॉज द बेस करंट एंड, यानी कि इससे तो क्या मिल जाएगी, बेस मीटर जंक्शन जब फॉरवर्ड बायस हो जाएगा तो उस कंडीशन में बेस करंट तो मिल जाएगी, लेकिन तो क्या नहीं मिलेगी, कलेक्टर करंट नहीं मिलेगी। तो इसलिए हमें ट्रांजिस्टर में क्या प्राप्त होगी, जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट। सो हैंस कलेक्टर करंट फ्लो इन द जीरो सिग्नल कंडीशन, यानी कि जीरो सिग्नल कंडीशन में कौन सी होगी, कलेक्टर करंट फ्लो होगी। जबकि हमने फर्स्ट वाले में कौन क्या पढ़ा था कि जीरो सिग्नल कंडीशन में कौन सी करंट फ्लो हो रही थी, बेस करंट फ्लो हो रही थी। ठीक है, सो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद में इसका सर्किट एनालिसिस है कि लेट अस अज्यूम करंट फ्लोइंग थ्रू रेजिस्टेंस आर वन इज आई वन। हमने मान लिया कि जो रेजिस्टेंस आर वन लगा हुआ है इसके थ्रू जो करंट फ्लो हो रही है वो क्या है, आई वन है। लेकिन सिंस बेस करंट आई बी इज वेरी स्मॉल, लेकिन जो बेस करंट है वो क्या होती है, बहुत कम होती है। सो इट कैन बी एज्यूम्ड दैट करंट फ्लोइंग थ्रू आर टू इज ऑल्सो आई वन। तो इसमें हमने मान लिया, देखो यहाँ से करंट कौन सी फ्लो करनी चाहिए थी, एक्चुअल में बेस करंट फ्लो करनी चाहिए थी लेकिन वो बहुत छोटी है, तो इसलिए हमने मान लिया कि जो रेजिस्टेंस आर टू लगा हुआ है इसके थ्रू भी जो करंट फ्लो हो रही है वो कौन सी है, आई वन करंट ही आ रही है यहाँ पे। ठीक है, सो इस कंडीशन में जो इक्वेशन होगी वो आपको ध्यान रखनी है, आई वन किसके इक्वल होगा, वीसीसी अपॉन आर वन प्लस आर टू। कैसे आया ये देखिए, हम किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, आई वन करंट की। तो आई वन क्या होगी, वीसीसी डिवाइडेड बाय, यहाँ से अगर आप देखोगे रेजिस्टेंस लगा हुआ है क्या आर वन, और सेकंड रेजिस्टेंस जिसके थ्रू करंट फ्लो कर रही है वो क्या है, आर टू। तो आर वन प्लस आर टू, यहाँ से अगर आप देखो इसकी इधर मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास में क्या निकल करके आ जाएगा, आई वन इंटू आर वन प्लस आर टू इज इक्वल टू वीसीसी, ये निकल करके आ जाएगा। कंफ्यूज मत हो जाना इस टर्म को, एक बार दोबारा से यहाँ समझ लो साइड में कि मैं आपको कहना क्या चाह रही हूँ। ये चीज देखिए, हमें पता है V किसके इक्वल होता है, आई आर के। तो यहाँ पे वोल्टेज लगी हुई है कौन सी, वीसीसी। यहाँ पे अगर हम I की बात करें तो I क्या है, आई वन है, आर वन है, और सेम यहाँ पे लगी हुई है क्या, आई टू सॉरी आई वन और आर टू। यहाँ से आप आई वन बाहर कॉमन ले सकते हो, तो अंदर कितना बचा, आर वन प्लस आर टू। यहाँ से अगर आपको आई वन की वैल्यू निकालनी हो तो ये जो आर वन प्लस आर टू इधर मल्टीप्लाई में इधर कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। तो इसलिए कंडीशन क्या बन गई, आई सी इज इक्वल टू वी सी सी अपॉन आर वन प्लस आर टू। इसको यहाँ से सॉल्व कर लोगे, लेकिन अगर हम वोल्टेज निकालें अक्रॉस आर टू तो वो क्या निकल करके आएगी, वी टू इज इक्वल टू वी सी सी अपॉन आर वन प्लस आर टू इंटू आर टू। यहाँ से हम क्या करेंगे, केवीएल अप्लाई कर देंगे बेस सर्किट में। बेस सर्किट कौन से वाला है, ये वाला जो सर्किट है इसमें हम किरचॉफ का वोल्टेज लॉ अप्लाई करेंगे, जिसकी हेल्प से हमें वी टू मिल जाएगी, जो कि किसकी इक्वल होगी, बेस मीटर वोल्टेज प्लस इमीटर वोल्टेज। यहाँ से देखिएगा, यहाँ पे जो बेस मीटर जंक्शन के थ्रू वोल्टेज जो है वर्क कर रही है वो क्या मिली हमें, बेस मीटर वोल्टेज, और यहाँ से यहाँ तक जो वोल्टेज है वो कौन सी है, इमीटर वोल्टेज है। तो इमीटर वोल्टेज और बेस इमीटर वोल्टेज का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा, V2 के इक्वल होगा, जो कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या करेगी, फ्लो करेगी। तो इसीलिए यहाँ पे देखिएगा टर्म आ गई, V2 इज इक्वल टू VBE प्लस VE, यानी कि इमीटर वोल्टेज प्लस बेस इमीटर वोल्टेज। यहाँ से आगे इसको सॉल्व कर लोगे, VE क्या है, इमीटर वोल्टेज, इमीटर वोल्टेज की वैल्यू रखो, इमीटर वोल्टेज के लिए यहाँ पे देखो करंट कौन सी फ्लो कर रही है, आई ई फ्लो कर रही है, यानी कि इमीटर करंट, और किसके थ्रू फ्लो कर रही है, जो इमीटर रेजिस्टेंस लगा हुआ है इसके थ्रू। तो वीई के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, आई इंटू आर, तो आई ई इंटू आर ई। तो यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू ये पुट कर दी, यहाँ से हमें क्या निकालनी है, आई ई की वैल्यू निकालनी। तो सबसे पहले देखो वी टू, ये वी बी इधर पॉजिटिव है, इधर जाएगा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में, और आई का कोफिशियंट आर ई है, तो अपॉन में आ जाएगा ये वाली टर्म। यहाँ से अगर हम मान लें कि जो इमीटर करंट है वो अगर इक्वल हो मोस्टली किसके, आई सी के, यानी कि कलेक्टर करंट के, तो उस कंडीशन में आई किसके इक्वल ले लेंगे हम, आई सी के। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दोगे तो दिस टर्म आ जाएगी। सो आई सी इज ऑलमोस्ट इन इंडिपेंडेंट ऑफ ट्रांजिस्टर पैरामीटर्स, यानी कि इसमें मोस्टली क्या होगा कि जो कलेक्टर करंट होगी वो ट्रांजिस्टर के पैरामीटर्स पे डिपेंड नहीं करेगी, ये इंडिपेंडेंट होगी, जिसकी वजह से इट इज ड्यू टू दिस रीजन इट हैज बिकम यूनिवर्सल मेथड फॉर बायसिंग। इसी वजह से ये एक ऐसा मेथड है जिसका मोस्टली यूनिवर्सल यूज किया जाता है, किसमें, बायसिंग के लिए। ठीक है, तो इसी के साथ में ये वाला टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। इसका स्टेबिलिटी फैक्टर बचा है वो कर लेते हैं, एक बार यहां तक नोट कर लीजिए।
नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा क्या है, स्टेबिलिटी फैक्टर। स्टेबिलिटी फैक्टर निकालेंगे वोल्टेज डिवाइडेड बाय मेथड के लिए, तो एस किसके इक्वल होगा, बीटा प्लस वन इंटू आर टी प्लस आर ई डिवाइडेड बाय आर टी प्लस आर ई प्लस बीटा आर ई। ये टर्म आपको ध्यान रखनी होगी। इसको सॉल्व करोगे बीटा प्लस वन, इस वाली टर्म में से आप आर ई बाहर कॉमन ले लीजिए। जब आप आर ई बाहर कॉमन लोगे तो आर ई से आर ई कैंसिल आउट, इसके पास तो बचेगा वन प्लस ये टर्म हो जाएगी आर टी अपॉन आर ई। अब जो आर ई है वो इस वाले टर्म के, ये जो नीचे लिखी हुई है डिवाइड में टर्म, इसके क्या आ जाएगा अपॉन में। जब इसके अपॉन में आएगा तो आर ई से आर ई खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा बीटा। यहाँ पे आप आर ई को आर ई से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा वन, और इस टर्म को आप आर ई से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा आर टी अपॉन आर ई आ जाएगा। यहाँ पे अगर हम बात करें आर टी की, आर टी किसके इक्वल होगा, तो ये इक्वल होगा आर वन आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू के इक्वल होता है। तो इस टर्म में अगर आप देखो आर टी अपॉन आर ई जो टर्म है ये क्या होती है, वन से बहुत ही ज्यादा छोटी होती है। तो अगर ये टर्म वन से बहुत ही ज्यादा छोटी वैल्यू है तो इस कंडीशन में इसको हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, या फिर आप कह सकते हो जीरो मान लेंगे। तो ये टर्म आ जाएगी बीटा प्लस वन, क्योंकि अगर हम इसको नेगलेक्ट कर देंगे यहाँ से बचेगा वन, वन की मल्टीप्लाई आप बीटा प्लस वन में करोगे कितना आ जाएगा बीटा प्लस वन आ जाएगा। यहाँ पे ये टर्म नेगलेक्ट कर दिया, इसको जीरो मान लीजिए, तो इस कंडीशन में क्या बचेगा सिर्फ बीटा प्लस वन। बीटा प्लस वन से बीटा प्लस वन कैंसिल आउट, तो कितना आ गया वन। इसका मतलब स्टेबिलिटी फैक्टर कितना है वन, और वन कैसी है, बहुत ही छोटी क्वांटिटी है। और आपको बताया मैंने स्टेबिलिटी फैक्टर जितना कम होगा स्टेबिलिटी क्या होगी उतनी ही हाई होगी, तो इसमें 100% स्टेबिलिटी मिल जाती है। इसलिए सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला डिवाइडर बायस है, जो कि क्या करता है ट्रांजिस्टर को बायसिंग प्रोवाइड कराता है अच्छी, और स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है। सो लास्ट में यही लाइन लिखी हुई है, दिस इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ एस and leads to the maximum possible thermal stability. In actual practice, the circuit may have stability factor around 10. यानी कि इस कंडीशन में जो स्टेबिलिटी फैक्टर होगा वो किसके पास तक पहुंच सकता है, 10 तक पहुंच सकता है। तो कुल मिलाकर के बात क्या है कि ये वाला जो मेथड है, चाहे आपका फर्स्ट मेथड ले लीजिए फिक्स्ड बायस मेथड जिसको बेस रजिस्टर मेथड कहते हैं, सेकंड वाला करेक्टर टू बेस बायस मेथड ले लीजिए आप, ये थर्ड वाला। तो सबसे ज्यादा जो एग्जाम में पूछा जाता है वो आपसे या तो फर्स्ट वाला पूछा जाता है फिक्स्ड बायस मेथड, या फिर थर्ड वाला वोल्टेज डिवाइडेड बायस मेथड। और ये जो थर्ड वाला है ये आपका सबसे ज्यादा ज्यादा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपसे मोस्टली पूछा जाता है, और आपको याद भी रखना है कि ये सबसे अच्छा है, बेटर है, क्योंकि ये क्या करता है ट्रांजिस्टर को स्टेबिलिटी भी 100% प्रोवाइड कराता है, और दूसरी बात ये प्रॉपर बायसिंग भी अच्छी फॉर्म में प्रोवाइड कराता है। सो आई होप आपको क्लियर हो गया हो, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो इस वीडियो में बस इतना ही, आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देना। अगर आप चैनल पर नहीं हो या फिर तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।